तो चलिए पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोगों को गुदभराई और अन्नप्राशन दिवस कैसे करनी है, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप का 20.7 का न्यू अपडेट आ चुका है, तो आप लोग गुदभराई और अन्नप्राशन दिवस भरने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए कि पोषण ट्रैकर 20.7 में जो न्यू अपडेट आए हैं उसमें अब आप लोग कैसे जो CBE and VHSND का ऑप्शन है उसको अपडेट करेंगी। तो सबसे पहले आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप का 20.7 को अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद चलिए जानते हैं कि जो इवेंट हम लोग करते हैं अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे उसका जो एंट्री है उसको हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को और भी आंगनवाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मोड वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे इवेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इवेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे जो फीचर्स है वो थोड़ा नया देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले VHSND वाले पे क्लिक करते हैं और इसकी एंट्री करके आपको दिखाते हैं, यानी कि VHSND की एंट्री हम लोग टीकाकरण दिवस जब हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर करते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं। तो जैसे ही VHSND वाले पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है नो इवेंट एडेड, यानी कि यहाँ पे अभी कोई इवेंट ऐड नहीं किया गया है। इवेंट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड VHSND, यहाँ पे जो ब्लू कलर में प्लस का साइन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको डेट पूछेगा कि आप किस डेट को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण का जो आयोजन था वो आयोजित की है, यानी कि जो टीकाकरण आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जिस दिन भी पड़ता है उसी का डेट आप लोगों को यहाँ पे भरना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो कोई भी ऑप्शन खुल के नहीं आएगा डेट डालने के लिए, आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैलेंडर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल के आ जाएगा, आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस डेट को हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण की एंट्री हुई है। तो हम डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने जो टीकाकरण का आयोजन किया है उस टीकाकरण में कितने लोग मौजूद थे। तो आपको यहाँ पे बेसिकली कुछ जो नंबर से वो डाल देना है, जैसे कि कितने लोग मौजूद थे, तो जो भी केंद्र पे लोग मौजूद थे वो संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है, 20, 25, 15, कि जितने भी लोग आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे टीकाकरण के दिन मौजूद रहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इस प्रकार से डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर सबमिट कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट करके दिखाते हैं, तो देख सकते हैं रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली एड हो चुका है। अब यहाँ पर चाहें तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ये नया ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिला है। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई डेट गलत चढ़ा दिया है या फिर आप पार्टिसिपेशन में जो संख्या है वो गलत चढ़ा दिया है, तो उसको आप लोग फिर से एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे एडिट करके सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप लोगों को नई अपडेट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे CBE कार्यक्रम जो होता है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, इसके बारे में जानते हैं कैसे इसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री करने के लिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने उसी प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा जिस प्रकार से VHSND वाला जो पेज खुल के आ रहा है, नो इवेंट एडेड, यानी कि अभी यहाँ पे अभी कोई इवेंट एड नहीं किया है। इवेंट एड करने के लिए यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपसे सबसे पहले डेट पूछेगा कि किस डेट को आपने यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेना है कैलेंडर से। तो आज 7 तारीख है, 7 तारीख को हमारे यहाँ पे गुदभराई दिवस का आयोजन होता है, तो हम यहाँ पे 7 का डेट डाल लेंगे। आपके यहाँ जिस डेट में गुदभराई का आयोजन किया जाता है उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इस एरो वाले पे क्लिक करेंगे तो 5 ऑप्शन खुल के आएंगे। तो 5ों में से आप लोग बेसिकली 2 जो थीम है वो हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड करते हैं, गुदभराई दिवस और अन्नप्राशन दिवस। बेसिकली कुछ जगहों पर जो है सुपोषण दिवस का भी आयोजन किया जाता है, तो हम लोग आज यहाँ पर गुदभराई दिवस किए हैं, तो गुदभराई दिवस के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पहला वाला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे जो गुदभराई दिवस की एंट्री है वो हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी आप लोग देखेंगे कि एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप गुदभराई दिवस की जगह पर अन्नप्राशन दिवस की एंट्री ऐड कर दी है या कोई डेट आपने गलत ऐड कर दिया है तो उसको आप लोग यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर डेट गलत चढ़ा दिए हैं तो यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका सही डेट हो वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग थीम यहाँ पे गलत चढ़ा देते हैं तो थीम को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सही थीम सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो आपने सही डेटा चढ़ाया है वो पोषण ट्रैकर ऐप पे ऐड हो जाएगा। तो ये एक नई सुविधा आप लोगों को दी गई है पोषण ट्रैकर ऐप के 20.7 में। इसी प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप के 20.7 के बाद जो गतिविधि करनी है जिसकी एंट्री आप लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में इजिली इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की
वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।